विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अधीन किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। पृथ्वी पर का विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है। आप यह समझिएगा, किसी गोलाकार आकृति के भीतर अगर विद्युतीय विभव का मान को मेज़र किया जाए तो वह कैसा प्राप्त होगा? वहाँ उसका विभव का मान शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, विद्युतीय विभवांतर के बारे में हम लोग समझते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के अधीन इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं, अर्थात विभव में अंतर। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। मान लिया जाए कि यदि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में W कार्य किया जाए, तो परिभाषा के अनुसार विभवांतर यानी V इक्वल टू W/Q होगा। आप साधारण शब्दों में दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। यदि माना जाए कि t सेकेंड में किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ I इक्वल टू Q/T होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है और किसी भी धारावाही चालक तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको एमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जबकि किसी परिपथ में कितना विभवांतर है, उसे मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे